हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हैरी। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनाई जाएगी। आपके लिए लेकर आया हूँ मूंग दाल का चीला, जो आपने मैरिज और पार्टी में जरूर खाया होगा। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या डलेगा। हमने एक कप मूंग की दाल ली है, उसको हमने 2 घंटे भिगो लिया था। एक हरी मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी के डालेंगे। अब हम इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमको पेस्ट को ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमको इसको इतना ही थिक रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी एक फिलिंग तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, 1 चम्मच तेल का डालेंगे, हमने अदरक को इसमें पीस कर डाला है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, गाजर डालेंगे, स्वीट कॉर्न डालेंगे, शिमला मिर्ची डालेंगे। हमने इन सबको 3 से 4 टेबलस्पून लिए हैं। अगर आप इसमें प्याज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अदरक के बाद भी प्याज इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमको ओवर कुक नहीं करना है, हमको इनको क्रंची रखना है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे पीस कर, ये लीजिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एक डोसा पैन लेंगे। अगर आपके पास डोसा पैन नहीं है तो आप तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे। और इसके साइडों पे इस तरीके से तेल डाल देंगे और हमको इसको थोड़ा सा ऊपर भी तेल डालना है। हमको इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकने देना है। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। अब हम इसको वापस पलट देंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब हम एक स्पून की हेल्प से इसके ऊपर इस तरीके से स्टफिंग लगा देंगे। अब हम इसको दोनों तरफ से कवर कर देंगे इस तरीके से। और इसको हम 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। ये लीजिए मूंग दाल का चीला बनकर तैयार है। मैं आपको बीच में से कट कर दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी कितना बढ़िया स्टफिंग अंदर से दिखाई दे रही है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।